चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सम नंबर हमारे हिसाब से एग्जांपल वन का थ्री। सबसे पहले बच्चा यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन वो है कि हमें करना क्या है। तो आप बोलोगे सर हमें करना है, पहले तो दो लिनियर इक्वेशन है, हमें वो ढूंढना है कि इसकी कंडीशन कौन सी होगी, नो सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। सपोज आंसर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो आपको आगे कैलकुलेशन करना है। चलो बच्चा तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन के हिसाब से, तो यहाँ पे है इन द ईच ऑफ द पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिटरमाइन द सिस्टम ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। इन द केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट आउट। तो हमें ये कैलकुलेट करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप बोलोगे सर ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ए वन इंटू एक्स बी वन इंटू वाई इज इक्वल टू सी वन। सेम वे ए टू एक्स बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू। यहाँ तक क्लियर है? चलो बच्चा तो स्टार्ट करते हैं। ए वन जो है यहाँ पे आप बोलोगे सर माइनस थ्री, ए टू जो है वो आप बोलोगे नाइन बाई टू। अब बच्चा यहाँ बोलेगा बी वन जो है यहाँ पे फोर और यहाँ पे आप बोलोगे बी टू हमारा माइनस सिक्स। बच्चा लेकिन यहाँ पे सी वन तो बराबर एक जगह पे हमने लिख लिया है फाइव, ये कौन सी साइड है कॉन्स्टेंट टर्म, राइट हैंड साइड। तो आप बोलोगे सर हमें इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा सी टू इज इक्वल टू फिफ्टीन बाई टू माइनस में। फिर से एक बार यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नाइन बाई टू ए माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन अपॉन टू। ये जो आएगा वो इक्वेशन हमने प्रॉपर लिखना पड़ेगा। क्लियर है ये पॉइंट, समझ में आ रहा है? तो इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट तो क्लियर हो जाएगा। अब हम कंपैरिजन करते हैं तो जिससे ज़्यादा प्रॉपर हमें सॉल्यूशन की और आंसर मिलेगा। ए वन अपॉन ए टू तो ये माइनस थ्री अपॉन नाइन बाई टू सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस थ्री इन टू। अब बोलोगे सर ये जो टू है डिनोमीटर में, डिनोमीटर ऑफ डिनोमीटर विल बी कंसिडर एज ए न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में ले जाना पड़ेगा, यहाँ थ्री से कट हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर टू बाय थ्री क्या हो जाएगा माइनस टू बाय थ्री। सेम वे बच्चा आप दूसरे में आगे बढ़ते हैं तो ए टू जो हमारा बी वन अपॉन बी टू यहाँ पे होगा फोर बाय माइनस सिक्स, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर टू से कट होगा तो टू अपॉन थ्री और माइनस, तो ये भी इक्वल आ रहा है। और लास्ट में बच्चा हमें डायलॉग बोलना पड़ेगा सी वन अपॉन सी टू, तो जो है फाइव अपॉन माइनस फिफ्टीन अपॉन टू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 इंटू टू अपॉन फिफ्टीन माइनस की साइन 5 बाई थ्री। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2 बाई थ्री माइनस। क्लियर? अब तीनों में देखो इक्वल सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब आंसर आ रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे हम लिखेंगे ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू, यहाँ पे आप बोलोगे बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। ये हमारा इक्वल आ रहा है, इसलिए जैसे इक्वल आता है तो आप बोलोगे सर इसका क्या होगा इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। क्या होगा बच्चा? इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कंडीशन पता होगी बच्चा तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस थोड़ी प्रैक्टिस और थोड़ा ध्यान रखना है। तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।